हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको आलू चाट बनाने की विधि बताऊंगी, जो कि बहुत ही आसान है और बहुत ही कम समय में बनके तैयार हो जाती है। सिर्फ 10 मिनट में चटपटे चाट बनके तैयार हो जाएगी। तो चलिए, इसके लिए हमको क्या क्या सामग्री लगेगी वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर हमने आलू ले लिया है, इसको हमने धो के साफ़ करके 3 सीटी लगा दिया है। और 3 सीटी लगा के यहाँ पर हमने आलू को छील लिया है। 5 आलू हमने लिया है, तो ये आलू को हमने छील के साफ़ करके छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तो आलू हमारा रेडी हो गया है। अब इसको हम साइड में रखते हैं और गैस जलाते हैं। यहाँ पर एक कढ़ाई मैंने रख दिया है, इसमें मैं तेल डाल दी हूँ। और तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा। तो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम इसमें आलू डाल देंगे। अब आलू को हम तब तक भूंजेंगे तेल में, तब तक कि जब तक हमारा आलू थोड़ा क्रंची नहीं हो जाता। तो हम करछुल की मदद से ये आलू को ऐसे चला चला के भूंजेंगे, ताकि ये आलू में तेल अच्छे से अंदर तक पहुंच जाए और आलू हमारा थोड़ा क्रंची हो जाए। अब इसमें हम लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे 1 चम्मच, ताकि इसका कलर अच्छे से आ जाए, देखने में प्यारा लगे। और करछुल की मदद से हम डुला देंगे इसको। तो आलू हमारा क्रंची हो गया है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसको हम निकाल के थोड़ी देर के लिए रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो हमारा आलू ठंडा हो रहा है। अब हम दूसरी बाउल लेते हैं, आलू डाल देते हैं। आलू डाल देंगे इसको पूरा हम इसी में। अब इसके लिए हम मसाला तैयार कर लेते हैं चाट के लिए। तो यहाँ पर देखिए, हमने एक प्याज लिया है, उसको धो के छील के छोटे टुकड़ों में काट लिया है। एक टमाटर लिया है, उसको हमने धो लिया है और धोने के बाद छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और 4 हरी मिर्च लिया है, उसको भी हमने धो के छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और धनिया पत्ती हमने लिया है, उसको भी हम धो के साफ करके काट लिए हैं। अब हमारा मसाला तैयार हो गया है इसमें आलू में मिलाने के लिए। तो अब ये मसाला को हम इसी आलू में मिला देंगे। पहले हम प्याज मिलाएंगे, प्याज के बाद हम टमाटर मिलाएंगे इसमें। टमाटर मिला दिए हमने, अब इसमें हम कटी हरी मिर्च मिला देंगे और धनिया पत्ती मिला देंगे इसको हम। अब ये हम इसमें हरी चटनी डाल रहे हैं। ये चटनी अगर आपको चाहिए तो हमारे चैनल में पड़ा है, आप इसको वहाँ जाके देख सकते हो। और ये चटनी में हमने धनिया पत्ती, अदरक, मिर्ची, लहसुन का पेस्ट बना के और दही में फेंट दिया है। ये चटनी इसमें हम डालेंगे। चटनी अच्छी लगती है खाने में, तो आप इसको ज़रूर बनाइए एक बार चटनी भी। तो अब हम इसमें 2 चम्मच मिला देंगे चटनी। इसमें लाल मिर्ची हम और डाल रहे हैं। अगर आप लाल मिर्च ज़्यादा पसंद नहीं करते हो तो आप इसको हटा भी सकते हो। यहाँ पर हम चाट मसाला भी डाल रहे हैं। अब इसको हम अच्छे से मिला देंगे। इमली का पेस्ट डाल रहे हैं इसमें, अगर आपके पास है तो इसको डालिए, नहीं तो इसको आप हटा भी सकते हो। और मेरे पास है तो मैं डाल रही हूँ। तो 1 चम्मच मैं इसमें मिला रही हूँ, इससे टेस्ट अच्छा बन जाता है। इसमें नींबू डालूँगी, तो 1/2 नींबू भी डाल रही हूँ इसमें। अब चम्मच की हेल्प से हम इसको मिला देंगे अच्छे से, ताकि बराबर से इसमें मसाला मिल जाए चाट में, खाने में टेस्टी लगे। तो इसी प्रकार से हम इसको मिलाएंगे ऐसे करके धीमे धीमे।
और नमक अब हम इसमें डालेंगे। नमक हम थोड़ा लास्ट में डाल रहे हैं ताकि हमारा आलू जो है वो क्रंची रहे, सॉफ्ट ना हो, इसीलिए हम लास्ट में नमक डाल रहे हैं। और इसको हम चम्मच की हेल्प से मिला देंगे पूरे में, तो अच्छा तैयार हो जाएगा। अब आप एक बार ये चाट को ज़रूर बनाइए क्योंकि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है चाट। अब आलू पड़ा रहता है, आलू से तो बहुत ही अच्छा लगता है। अब हम इसमें मिक्सचर डाल के इसको सजा देंगे। इसको डालने से चाट खाने में ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो आप भी इसको डाल सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी मिक्सचर डाल सकते हो या चिप्स डाल सकते हो, कुछ भी डाल के मिला सकते हो। अब चाट हमारी बन के तैयार हो गई है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे खाने के लिए। तो आप भी ऐसे बनाइए, चाट देख के तो बहुत अच्छा लगता है भाई, सबका मन ललचा जाता है खाने के लिए। तो आप एक बार ज़रूर बनाइए। अब मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, आपको कैसा लगता है? तो आप भी एक बार ज़रूर इसको ट्राई करना। अब ऐसा ही तो आप लोग घर में बैठे हो तो चाट खाने का तो मन करता होगा, क्योंकि बाहर का चीज़ तो खाने में वो है, तो इसलिए आप घर में इसको बना लीजिए और खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है ये चाट। तो एक बार इसको आप ज़रूर बनाना खाना। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली परिवार दोस्तों के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।